स्वागत करबेन बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली होना चाहिए। जिस तरह का भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर कुटाराघात किया, हमारे किचन को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए आज साथियों देख रहे हैं प्याज की दाम 100 से ऊपर पहुंच गया है। आज प्याज की माला पहनाकर हमारे आदरणीय सविता माटे जी स्वागत किया है। हम चाहेंगे जिंदाबाद, सब्जियों का दाम सस्ता करेंगे, किरासन तेल सस्ता होगा, प्याज सस्ता होगा, नमक सस्ता होगा, लेकिन अब कुछ भी सस्ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे जो हम लोग का थाली में खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ रहता था, अब धीरे धीरे खत्म वो भी खत्म हो जा रहा है। सब्जी तो पहले ही गायब हो गया था और भात और प्याज था, अब प्याज भी गायब हो गया है। अब कुछ दिन के बाद जो चावल है वो भी गायब हो जाएगा, खाली थाली लेकर हम लोग बैठे रहेंगे। ये भाजपा का सरकार और इसी सोच के तहत आज इस राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के बेचारा लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। अनेक लोग मर गया, 2-2.5 दर्जन से अधिक लोग की जाने चली गई और उसमें सबसे अधिक आदिवासी दलित शोषित पीड़ित महिलाएं थी। क्यों गरीबों को अनाज नहीं मिलता? बाजार में तो हम खरीद सकते नहीं, और जो गरीबों को अनाज मिलता था वो भी क्यों बंद है? यह जानबूझ करके बंद किया जाता है और ग्रामीणों को परेशान किया जाता है और गोदाम में अनाज सड़ता है। आज इन लोगों ने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी, समय पर अनाज नहीं मिलेगा, समय पर पीने का पानी नहीं मिलेगा, समय पर बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगा, समय पर हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, समय पर विधवा पेंशन नहीं मिलेगा और समय पर हमारे जितने भी कर्मचारी सरकार में हैं उनको भी तनख्वाह नहीं मिलता। आज का हालत यह है कि सरकार का ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है कि आज अपने कर्मचारियों को भी ये वेतन दे पाए, लेकिन पता नहीं देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता, दिल्ली वाली सरकार बोलती है कि लाखों करोड़ों रुपया हम रघुवर दास को दिया, झारखंड सरकार को दिया, 5 लाख करोड़ हम दिया। आखिर 5 लाख करोड़ रुपया आया तो गया कहां भाई? वो पैसा किसका जेब में चला गया? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए और आजसू गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए, जो लोग अभी सरकार चला रहा है ये लोग 5 लाख करोड़ रुपया कहां लेके चला गया? आज पारा शिक्षक को आप लोगों ने मानदेय नहीं दिया, बेचारा लोगों का जान चला गया। आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आप लोगों ने पैसे की जगह लाठी डंडा देने का काम किया, आज वो पैसा कहां चला गया? आज उस पैसा से आप रोजगार भी सृजन नहीं कर पाए, हमारे नौजवान बेरोजगार भटकते रहे, डिग्री लेकर के ट्रेन के सामने आज लोगों ने जान दे दी। आखिर वो पैसा गया कहां? ना किसानों के खेत में पानी आपने पहुंचाया, ना लोगों को घर में पीने का पानी की व्यवस्था आपने की, ना बिजली की व्यवस्था, ना पढ़ाई की व्यवस्था, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था। आज इन लोगों ने सारा पैसा हजम कर लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू का जो अभी सरकार चल रहा है, ये दोनों ने दोनों हाथों से लूट करके इस राज्य के सारे खजाने खाली कर दिए। आज नतीजा ये है कि हमारे शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है और नतीजा ये हो गया गांव का स्कूल बंद हो रहा है और ये लोग पैसा लूटने के लिए शराब का ठेका खोलने चला है। आज हम लोग का स्कूल नहीं दिखाई देता है लेकिन शराब का ठेका 2 किलोमीटर दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। यहां का झारखंडी लोग शराब पीकर ही खत्म हो जाए। ये चौका क्षेत्र बड़े पैमाने पर यहां पर लोग विस्थापित लोग बसे पड़े हैं। आज मुझे लगता है मेरे उम्र से भी ज्यादा हो गया यहां पर चांडिल डैम का, और उस चांडिल डैम से आज हम लोग को कितना लाभ मिला।
आज यहां पर जो मछली पालन का काम चल रहा है, ये मछली पालन की योजना हमारी सरकार में हमने चालू किया था, जो थोड़ा बहुत लोगों को मिल गया। और इस तरीके से हमने इस राज्य के हर जलाशय में, डैम में ऐसे योजनाओं को प्रारंभ किया। हम बोले भाई तुम लोग तो एक लोटा पानी दिया नहीं, डैम बनाया, झारखंड में विस्थापित हो गया झारखंडी किसान, झारखंडी लोग, पानी जाता है बंगाल को, पानी जाता है उड़ीसा को, पानी जाता है बिहार को, गजब हो गया। आज तक ये योजना, सिंचाई योजना पूरा नहीं हो पाया। तो हम बोले कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ उपाय करो, और हम लोगों ने ये तकनीक निकाला कि आज यहां पर जो भी थोड़ा बहुत विस्थापित लोग मछली पालन का काम कर रहा है, उसमें भी कभी कभी बुरा नजर दूसरे लोगों का पड़ता है, सरकार उसमें भी षड्यंत्र रचने का काम करता है और हमारे विस्थापितों से योजना छीनने का भी कभी कभी प्रयास करता है। हमको इसकी जानकारी आई है। आज कितना किलोमीटर तक ये पानी जमा हो गया कोई नहीं बता सकता। आज इसलिए साथी ऐसे योजना यहां पर लगते हैं जिस योजनाओं का हमें बहुत लाभ मिलता नहीं है, और आज यही वजह है झारखंड के लोग विकास के नाम पर सरकार को जमीन देना नहीं चाहते। और ये लोग बात बोलते हैं, और ये लोग आज बोलते हैं विकास के नाम पर सीएनटी एसपीटी रोड़ा है। रोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करेगा? आज ऐसा डैम बना, किसको रोजगार कितना मिला? टाटा स्टील बन गया, कितना हम लोग का झारखंडी भाइयों का जमीन चला गया, कौन जानता है वहां के। आज देश के प्रधानमंत्री आते हैं, रतन टाटा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो बेचारे हमारे जो वहां रैयत है, जो क्या मातो नाम था उनका, विष्णु मातो, और अनेक लोग जैसे लोगों को ये प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग गुजरात का लोग है। हम लोग को ये प्रणाम, हमारे जमींदाता और रैयतों को प्रणाम नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े व्यापारियों को प्रणाम करेंगे। ये गरीबों को हितैषी नहीं, बल्कि ये लोग अमीरों के, ये लोग हितैषी है, अमीरों के ये लोग चहेते लोग हैं, उन्हीं के लिए ये लोग काम करते हैं। और आज इतना बड़ा विस्थापित हो गया ये टाटा नगर के माध्यम से, और नौकरी किसको मिलता है? रघुवर दास के खानदान को, उसके बेटा बेटी लोग को, उसका परिवार को, रघुवर दास को। ऐसे ही होता रहा है हमेशा, अनेकों कंपनियां यहां खुले और बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को विस्थापित करके, या तो आसाम का चाय बगान में जाके खटने पर मजबूर होना पड़ा, या तो बंगाल का वो सिलीगुड़ी के चाय बगान में जाकर के बसना पड़ा। ये स्थिति है हम लोगों की, और ये लोग एन टेन प्रकार हमारे इस राज्य के खनिज संपदाओं पर इनकी नजर है, हमारे जल जंगल जमीन खेत खलियान पर है। हम लोगों का किसके पास बैंक में बोरा भर भर के पैसा है? कोई झारखंडी के पास बैंक भर भर के बैंक में भर के पैसा नहीं है, ना ही बोरा में भर के घर में पैसा रखा है। हम लोग का खेत और खलियान ही हम लोग का बैंक और रुपया होता है, और आज हमारे इस खजाने को, इस संपत्ति को लूटने की तैयारी चल रही है। हमारी भूमि अधिग्रहण कानून, हमारा सीएनटी एसपीटी कानून, हमारा वन अधिकार कानून बदल करके इन लोगों ने हमें फिर से बहुत मुसीबत में डाल रखा है। आज आप देखते होंगे हमारी कोई भी गांव में जमीनों की रसीद नहीं कट रही है। आज इन लोगों ने सारा जमीन सरकार लैंड बैंक में रख करके अपने व्यापारी मित्रों को देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने यह तय किया है, आज हम लोगों ने यह तय किया है कि हर हाल में इस छत्तीसगढ़ी सरकार और ये भाजपा सुसरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे और झारखंडियों की सरकार बनाएंगे, ताकि यहां पर जो किसान आत्महत्या कर रहा है कर्ज के मारे, 20,000 50,000 रुपया बेचारा कर्ज लिया, वो चुकता नहीं कर पाया,
और अंततः उसको आत्महत्या करना पड़ा, पेड़ में फांसी लगा करके अपना जान देना पड़ा। अब इस राज्य में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, सरकार बनेगी, जितना किसानों का कर्ज है सबको मुक्त करने का काम यूपीए गठबंधन करेगा।